भैया बहनों, आज हम कक्षा 10 पाठ 1 जय सूर्य भारती का केंद्र सूत्र का अभ्यास करेंगे। हिंदी अनुवाद का अभ्यास, हिंदी अनुवाद में आपको लिख करके भेज दूंगी, तो आपको पढ़ना है और लिखना है, उसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जैसे देखो, पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 4, तो वो आपको किताब में ही हल किए हुए हैं, तो आप वो करेंगे। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें है जय जय हे भगवती सूर्य भारती इतिशा गीते रचिता को अस्ति, यथा जय जय हे भगवती सूर्य भारती इस गीत के रचयिता कौन है। उत्तर, डॉक्टर हरिराम आचार्य है, कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। दूसरा प्रश्न, कति काव्य रसा समिति प्रियाणाम रसाना नामानि लिखन्तु, कति यानी कि कितने काव्य रस है और कोई भी 3 काव्य रसों के नाम लिखिए, तो आपको लिखना है 9 काव्य रसा समिति। अब 3 काव्य रसों के नाम लिखने हैं, तो एक हो गया आपके श्रृंगार, 9 काव्य रसों के नाम है उसमें से श्रृंगार है, करुण है और रोद्रास। यानी कि 9 रस है, श्रृंगार कर्ण और रोद्र रस, ठीक है। ये 3 रसों के आपको इसमें नाम लिखने हैं, 9 में से कोई भी 3 लिखने हैं। मानस संशय इत्यस्य किम अर्थ द्वयम् कर्तुं शक्यते, माने हम के इस पाठ में क्या 2 अर्थ बताए गए हैं। एक है मानव सरोवरस्ते हंसे, दूसरा है मानस रूप हंसे। इस प्रकार अगला है शीत पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्दत्रयम् लिखन्तु, यानी कि शीत पंकजम में कोई 2 पर्याय शब्द लिखने हैं। उत्तर, 2 ही 3 लिखने हैं, त्रयम् 3 लिखने हैं, तो श्वेत कमलम सुंदरीकम और शीत पंकजम। आगे निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्न 1, आसीना भवर विमले इति पद्यम हिंदी भाषया अनुजताम, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मैं जब हिंदी अनुवाद लिख के दूंगी, तो उस हिंदी अनुवाद के अंदर ही आपको ढूंढना है। जैसे पद्यांश का जो 3रा पद्यांश है, उसका हिंदी अनुवाद इसका उत्तर लिखना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपके पता पर, त्वंसी सरण्या रुचिरा वर्णा, राष्ट्र है वर्ण लिखे रुचिरा वर्णा, तो इसका क्या करना है, इति पद्यम संस्कृत व्याख्याता, इसकी संस्कृत में व्याख्या करनी है सर्वसन, तो आपको इसकी क्या करना है, पद्यांश जो दूसरा पद्यांश है उसकी सर्वसन संस्कृत में व्याख्या आपको इसमें लिखनी है। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूर्ण हुआ। ओम नमः।